हेलो एवरीवन। सो अब इतना अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों के सामने ये डिस्क्लोज कर दिया है, तो अब मैं आराम से ऐसे घूम घूम करके वीडियो बना सकती हूँ। नहीं तो मैं एक ही जगह पे बैठ करके दुबक करके ऐसे वीडियो बना रही थी। सो आज है सैटरडे और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लग रही है। हाँ, सो आज है सैटरडे और हम लोग आज जाने वाले हैं। यूजुअली अभी तक आपने ये देखा है कि सारे सब्सक्राइबर्स मेरे घर पर आते हैं और मैं इस बार आज मैं जाने वाली हूँ अपने एक सब्सक्राइबर के घर पर। तो अभी जब मैं इधर आ गई थी इस वाले एरिया में, तब से वो मुझे बोली हुई है कि आ जाओ घर, आ जाओ घर, आ जाओ। मतलब एक साल से, मान लो एक डेढ़ साल से हमारा, बट फिर वही मेरा कुछ ना कुछ लगा रह रहा था। फिर मैं भोपाल चली गई, फिर आई हूँ, तो आज उनका मैसेज, कल उनका मैसेज आया। फिर वो बोलती है कि यार अब तो आई, अब तो भोपाल से भी वापस जाके आ गए, अब आ जाओ। तो मैंने कहा चलो आज फ्री है, आज हमारा ऐसा सच कोई मेजर प्लान नहीं है। विक्की को मैंने पूछा कि आज चलते हैं अपन लोग मिलने के लिए, तो उन्होंने फिर प्रॉपर ही बोला कि डिनर विनर करने के लिए आ जाओ। तो आज हम शाम को वहाँ जाने वाले हैं। तो अभी मैं ना थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी, बिकॉज मेरा नेल पेंट बहुत दिनों से ऐसी, ये ऐसे आधा नेल पेंट से घूम रही हूँ मैं, तो मैं थोड़ा नेल पेंट वगैरह अपग्रेड करूंगी। अभी नेल पेंट ही लगाती हूँ बैठ करके। तो या लेट्स स्टार्ट। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जो साज श्रृंगार वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हेयर ड्रायर एंड यू नो बेसिक ऐसे हेयर स्टाइलिंग और नेल वाला जो मेरा वो है कि मेरा नेल्स हो गया है। दिस इज माई नेल्स। मैंने हल्का सा ना ग्लिटर लगाने की कोशिश करी थी प्रोफेशनल उन लोगों की तरह, बट मुझसे हुआ नहीं, थोड़ा मेस्ड अप कर दिया है मैंने। बट ठीक है, अभी मेरे को बहुत कम लगाना था बट वो थोड़ा मेस्ड अप हो गया है, तो अभी ठीक है। और विक्की कर रहा है, हमारे जो फैन है उनको क्लीनिंग कर रहा है। पता नहीं उसको कौन सा जोश चढ़ गया, अचानक से आज क्लीनिंग कर रहा है वो। अभी लाइट गई हुई है, शायद कुछ मेंटेनेंस काम चल रहा है नीचे इसलिए। और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रेन्स कि थोड़ी बारिश वारिश आए तो अच्छा लगेगा। तो ये वाला फ़ैन जो है पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, अभी वो वाला फ़ैन हमारा क्लीन हो रहा है। तो ये जो फ़ैन है ना, ये हम लोगों ने पुराने ही यूज़ करे हैं। पुराने मतलब कि हमारे जब हमने ये घर लिया था, तो उसके बाद आप जब किसी को देते हो तो आप एक बेसिक काम करवाते हो ना, जैसे फैन वैन हमने लगवा दिया था एंड ऑल दैट। तो ये फैन हमने वही यूज़ किया, हमने चेंज नहीं किया। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ ली है भाई। मतलब ये तो हम लोगों ने गुस्से से, हमारा सामान आया है उसके पहले ही आ गई थी ये। हाँ, तो ये हम लोगों ने भोपाल में भी मंगवाई थी। फाइव लैडर थी वहाँ पर, फाइव स्टेप वाली, क्योंकि वहाँ उतने की ज़रूरत थी। बट यहाँ तो ये जो सीलिंग्स होती हैं इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती हैं, तो ये जो थ्री स्टेप लैडर है ना, इसमें भी काम हो गया है। तो ये मंगवा ली, बहुत सारे हमारे छोटे छोटे काम इससे हो जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं इसका लिंक दे दूंगी अमेज़न से ही मंगवाई है ये। तो फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर निकलते हैं डिनर पार्टी के लिए। ओके गाइस, तो अब हम रेडी होना स्टार्ट करते हैं एंड फेस वॉश कर लिया है, ड्रेस पहन लिया है मैंने। मैं आपको भी एंड में दिखाती हूँ। अभी तो ये बहुत ऐसे झंगला झूला टाइप की लग रही है, बट मैं अभी इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करूँगी, देन इट विल लुक गुड। तो मैंने जानबूझ के ऐसे लूज ड्रेस ली थी, वहाँ पर मैं मामाअर्थ का एक्वा ग्लो फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। फेस को अच्छे से हम मॉइस्चराइज करेंगे। सो फॉर माई फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मामाअर्थ का ग्लो सिरम फाउंडेशन विटामिन सी के साथ जो है। तो मैंने जो शेड्स लिए हैं वो है 05 और 03। काफ़ी सारे शेड्स में मामाअर्थ ने जो फाउंडेशन है वो लॉन्च किया है। सो आई एम क्लोज टू 05 भी मुझे शेड लग रहा है और 03 भी मुझे अपना शेड लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करूँगी। दिस इज 05 ऑन माई स्किन लाइक दिस, ठीक है। तो जब इसको आप ब्लेंड करोगे ना, ये देखिए एकदम एग्जैक्टली मेरे स्किन के शेड का है ये। और 03 भी बताती हूँ, यहाँ पे 03 लगाते हैं, ये देखिए ये 03 है। हम इसको भी ब्लेंड करते हैं ना, हल्का सा लाइट है ये, और ये हल्का सा मुझे ऐसा लगता है एकदम स्किन के ही शेड का है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मिक्स करती हूँ और फिर लगाती हूँ शेड। तो इस फाउंडेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी और टर्मरिक। ये आपको एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट कवरेज तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ 2x ग्लो प्रोवाइड करते हैं और मैटिफाई फिनिश देते हैं। ये 12 घंटे तक आपके स्किन पे एज इट इज़ इंटैक्ट रहता है एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट यूजिंग दैम ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, जिसका मतलब होता है और ये एक प्रूफ होता है कि इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स नहीं है। फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जो होते हैं, दो ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर आइडियल फॉर अ बेस मेकअप लुक। और ये जो दोनों ही, इसमें भी मैं आपको इसका कॉम्पैक्ट भी बताऊंगी, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हैं, बहुत लाइट वेट है, क्लिनिकली टेस्टेड हैं, परफेक्ट कवरेज देते हैं और काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, आप देख ही सकते हो बहुत आराम से। एंड लुक एट द फिनिश। सो इस तरीके का कुछ दिखता है फाउंडेशन की जो फिनिश है। और अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मामाअर्थ का ग्लो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट।
कॉम्पैक का जो की इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक. विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टर्मरिक जो होता है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स भरे हुए होते हैं और ये स्किन को एक नेचुरल ग्रो प्रोवाइड करता है. तो दिस इज ऑल्सो आपको ये 2x इंस्टेंट ग्लो देता है फॉर 12 आवर्स. टैल्क फ्री फॉर्मूला है और काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जाता है विथ SPF 30. मेड सेफ सर्टिफाइड है, फ्री फ्रॉम ऑल द टॉक्सिन्स एंड जो भी केमिकल्स हैं उससे, सूटेबल फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन और ये क्लिनिकली टेस्टेड है. मामाअर्थ इज़ ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड. आप जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अचीव दैट दे प्लांट. इसके पीछे का पर्पस ये है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं. मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर रखा है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा. iOS एंड एंड्रॉइड की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऐप यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हैंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स की लिंक दी रहेगी, चेक जरूर करिएगा. स्क्रीन पे दिया हुआ अगर आप कूपन कोड मेरा यूज करेंगे तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पर. नाउ आई हैव 2 सेट्स ऑफ बेल्ट, इन दोनों में से देखते हैं कौन सा. नाउ दिस इज माय ड्रेस और अब हम ये चेक करेंगे कि इसके ऊपर कौन सा बेल्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है. एक तो ये लुक रहने वाला है, ये भी अच्छा लग रहा है काफी. तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर लग रहा है बेल्ट वाइज. तो ओके गाइस, तो निकल चुके हैं हम लोग हमारे घर से, अभी कुछ लेते हैं बीच में और वो लेकर के फिर जाएंगे उनके घर पे. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You came right out of the blue, I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. ओके गाइस, तो अभी टाइम है विक्की को ड्रॉप करने का, तो स्टॉप तक ही ड्रॉप करके आती हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो इसलिए चले जाते हैं. हाँ तो ले लो, बाय. ये विक्की का स्टॉप है, यहाँ पर बस आती है. सो लेट मी गिव यू अ क्विक सिनेरियो ऑफ व्हेन आई वाटर माई प्लांट्स. ना जब मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ तो नीचे किस तरीके से पूरा पानी पानी हो जाता है और मिट्टी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने सारे प्लांट्स लगाएं, कम से कम ये टोटल 48 और 49 समथिंग प्लांट्स हैं मेरे पास जो बाहर लगे हुए हैं. छोटे छोटे बहुत सारे हैं इसलिए वो इतने नंबर ऑफ लगते हैं, बड़े प्लांट्स मेरे पास 3 या 4 ही है. तो छोटे छोटे जितने भी है ना उन सबको मिला लूँ अगर मैं तो मेरे पास 48, 49, 50 प्लांट्स है. तो एक दिन हमने काउंट किया था कि हमारे घर के अंदर कितने प्लांट्स हैं. 70 तो मेरे घर में प्लांट्स हैं जिसमें से 50 इस बालकनी में लगे हुए हैं. और तो यार इतने प्लांट्स को आप पानी दोगे ना तो मिट्टी डेफिनेटली नीचे आती है. तो मैं हमेशा ये जो ये इस तरीके का जो डेकोर होता है ना, नीचे बालकनी में लोग ग्रीन मैट लगा देते हैं और मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस नहीं मेरे को इस तरीके के सजेशंस आते हैं कि व्हाई डोंट यू कीप ग्रीन ग्रास आप अपने फ्लोर पे, व्हाई डोंट यू कीप कुशंस ऑन योर फ्लोर, व्हाई डोंट यू कीप दिस ऑन योर फ्लोर. अब मैं आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताती हूँ, डेली पानी देते हैं भाई, प्लांट्स हैं तो डेली पानी जाएगा ही जाएगा, कितना गंदा होता है नीचे. तो दिस इज द काइंड ऑफ सिनेरियो हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे
किसी दिन ज़्यादा, मतलब यूजुअली मैं अल्टरनेट डेज पानी, एक दिन मैं पानी कम देती हूँ और एक दिन मैं ज़्यादा देती हूँ। आज इनका ज़्यादा पानी, मतलब नहलाने का दिन था, पत्तियाँ भी इनकी गीली है, तो जिस दिन मैं नहलाती हूँ ना उस दिन ऐसे मिट्टी हो जाती है पूरे में, ठीक है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। मुझे इसको अच्छे से भी झाड़ना पड़ेगा। नाउ इमेजिन अगर मैं वो जो ग्रीन ग्रास है, जो फेक ग्रास है, वो मैं बिछा दूँ तो उसको साफ करने का एक अलग पेन हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर रीजन कि मैं वहाँ पर क्यों आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह नहीं लगाती हूँ। अच्छा, अब दूसरा मेरे पास आते हैं कमेंट कि आपने बहुत ज़्यादा प्लांट से भर दिया है, आप कुछ प्लांट्स उसमें कम कर दो। मतलब मैं रह रही हूँ यहाँ पर, तो मुझे तो देखने में विजुअली क्लटर नहीं लगता है बिल्कुल भी, मुझे बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि हमारे ना घर के बाहर बिल्कुल सामने आप देखोगे ना, जैसे पिछला व्यू था वैसा व्यू नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा बिल्डिंग दिखता है यहाँ से। ये मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ अभी, ये देखिए मैं सोफे पे बैठी हूँ तो वो बिल्डिंग दिखता है, बिल्डिंग के बाहर उस तरफ, फिर एक सेकेंड उस तरफ आप देखेंगे ना तो वहाँ पर गार्डन है, तो एकदम सामने जो फ्रंट व्यू आता है वो बिल्डिंग का आता है। मैंने अपनी बैल्कनी को इस तरीके के प्लांट ही प्लांट से डेकोरेट कर दिया है कि बिल्डिंग्स पर ध्यान ही ना जाए। मतलब मैं लिटरली सामने वाली जो एक्सेंट चेयर है इस पे बैठती हूँ तो मैं सिर्फ प्लांट्स को देखती रहती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और प्लांट्स लगाना चाहिए गाइस। अब मैं फटाक से पहले तो इसको वॉश करती हूँ, और जो हाँ मैं नए प्लांट लाई हूँ, मैंने कहाँ लगाया ये देखिए। सो ये जो बोगनविलिया है ना, वो मैंने इस वाले में लगा दिया, ये बड़े वाले में, और जो मैं बटन रोज लेके आई हूँ मैंने यहाँ लगा दिए। जो यहाँ के प्लांट थे ये ऊपर चले गए, तो ये देखिए ये जो एलिफेंट लेकर के आई हूँ मैंने यहाँ लगा दिए। थोड़ा हैवी है एलिफेंट, तो मुझे लग रहा है कि ये ग्लास टूट टूट ना जाए, नहीं तो उसको फिर मैं नीचे शिफ्ट करूँगी, ऐसा कुछ करके करते हैं। तो यस, ज़्यादा प्लांट कहाँ है यार, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये देखो। कीप दिस डोर मैट, आपको दिख रहा है ऐसे पैरों के निशान मिट्टी मिट्टी के, क्योंकि क्या होता है ना यहाँ पे पानी गिरता है तो पोंछने के लिए चाहिए रहता है, तो ये हमेशा रहता है प्रेजेंट। बस मैं क्या करती हूँ इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ और फोल्ड करके इधर शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब जब पानी के लिए जाना नहीं पड़ता है। ये यहाँ ऐसे साइड में रखी रहती है और यहाँ पर फिर ऐसे इतना अजीब नहीं दिखता है, तो मैं लेकिन ये रखती ज़रूर हूँ, बिकॉज अगर आपको बाहर जाना है और पानी पड़ा है, बारिश हो गई है, तो उसके लिए फिर आप पैर पोंछ के अंदर आ सकते हो। ओके गाइस, जस्ट टुक शावर, और इस वाले वेदर में बारिश का सीज़न होता है ना, और ये ह्यूमिड ह्यूमिड वाला जब वेदर होता है उसमें बाल ड्राई होना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी जस्ट फेस पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा टोनर। अभी जस्ट मेरी ना दोस्त का फोन आ गया था, तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स का फोन आ जाता, फिर आप एक घंटा तो आराम से आपका गया, एक से आधा घंटा, तो वही फिर मम्मी से भी बात करी मैंने। बाल जब तक ड्राई नहीं होते इसको एयर ड्राई होने देते हैं, और मैं अपनी तैयारी करती हूँ खाने की, बिकॉज मुझे लग रही है अच्छी जम के भूख। आज एकदम मस्त बारिश हो रही है, मतलब झरी लगी हुई है पानी की, मैं दिखाती हूँ बाहर। आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, बहुत ही अमेजिंग सा मेरे को ना एक जो भोपाल से विक्की आया था ना, तो मैं उस दिन बताना भूल गई थी, एक बहुत प्यारा सा आर्ट शेयर किया है मेरे साथ तुहीना हैंडमेड क्राफ्ट्स ने, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मेरे पास आर्ट आया है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लुक एट दिस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, ये तुहीना क्रिएशन ने मुझे बना करके भेजा हुआ है।
तो ये ऐसे बुक की फॉर्म में, यहाँ से इसका जो हुक है इसको ओपन करना होता है एंड ये इस तरीके से ओपन होती है एंड इसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पेज ओपन करेंगे, उसके बाद ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ना इसको मैं ओपन करूँगी। इसके अंदर भी बहुत ब्यूटिफुल हम लोगों की जो फैमिली पिक्चर है वो लगी हुई है, मतलब बहुत ही सुंदर पूरा आर्ट बनाया हुआ है। आप इस तरीके का आर्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच तुहिना, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि किस लेवल का हार्डवर्क आपको लगा होगा ये बनाने में। थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले मेरी मम्मी ने रिसीव किया था और जब मम्मी ने रिसीव किया तो उनका मेरे पास कॉल आया एंड माई मॉम इज़ लाइक कि भाई इतना सुंदर बना करके भेजा हुआ है जिसने भी बनाया है। सो थैंक यू सो मच। मैं इनका ना इंस्टाग्राम पेज डाल दूंगी, इफ़ इन एनी केस आपको अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को इस तरीके का कुछ बनवा करके देना हो, मतलब बहुत मेहनत लगी होगी इसमें। आई कैन इमेजिन द यू नो मेहनत बिहाइंड दिस। थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग जो है वो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।